श्री जितेंद्र कुमार राय जी, और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम अनुरोध करते हैं कृपया आप आए और इस विशेष अवसर पर हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करेंगे। आज के कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ जी, विधि विभाग के मंत्री शमीम अहमद जी, रत्नेश सदा जी, मान्य मंत्री महेश्वर हजारी जी, उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा, महानिदेशक बिहार संग्रहालय अंजनी कुमार सिंह जी, सदस्य बिहार प्राधिकरण श्री मनीष कुमार वर्मा जी, श्री उदयकांत मिश्रा जी, श्री हरजोत कौर जी, अभय कुमार सिंह जी तथा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्य के कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार जी, सभी हमारे पत्रकार बंधुओं और सभी बाहर देश विदेश से जितने डेलीगेट्स आए हैं, सबका इस कार्यक्रम में मैं दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस भी है, इस मौके पे मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाइयां आप लोगों को देना चाहता हूं। साथ ही बिहार म्यूजियम बिनाले की शुरुआत भी की जा रही है, G20 देशों के कलाकृतियों की महाप्रदर्शनी भी की जा रही है। G20 देशों के अलावा अन्य अतिथि देश जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, ओमान, UAE, स्पेन, इजिप्ट की भी भागीदारी भी इस प्रदर्शनी में हो रही है। इस प्रदर्शनी का नाम टुगेदर वी आर्ट का नाम दिया गया है, तो एक महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए। और आज जहां हम लोग उपस्थित हुए हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की सोच था, एक विजन था, जो ये बिहार का जो नया म्यूजियम जो बना बिहार म्यूजियम, ये इनकी सोच की देन है। वो चाहते थे कि देश विदेश से जो लोग आए बिहार, वो हमारे इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को पहचाने, और जो गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों ने इस म्यूजियम में देखी होगी, या उसके साथ नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था इस म्यूजियम में की गई है। और इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अगर देखें तो जापनी स्टाइल में किया गया है, ये एक अनोखा है बिहार के लिए, ये पहला ऐसा म्यूजियम, बल्कि मैं मानता हूं कि देश में ऐसा म्यूजियम जो है इस आर्किटेक्ट का जो है नहीं बना होगा, जिस हिसाब से यहाँ सारी सुविधाएं जितनी इंटरनेशनल फैसिलिटीज दी गई हैं, साथ ही साथ जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर हेरिटेज जो रहा है, हर एक चीज आपको इतिहास जानने का मौका मिलेगा, चीजों को देखने का मौका मिलेगा, जिस प्रकार से संभाल की चीजों को रखा गया है। तो इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देता हूं कि ये अवसर बिहार के लोगों को नहीं, बल्कि बिहार को जानने और पहचानने के लिए पूरे देश विदेश के लोगों को देने का काम किया, बल्कि इस विजन को अगर उतारने का अगर काम किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो इसमें अंजनी बाबू जी का भी बड़ा योगदान है, मैं उनको भी इसके लिए बधाई देने का काम करता हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बिहार पटना में देश विदेश से लोग आ रहे हैं और यहाँ महाप्रदर्शनी लगा रहे हैं, ताकि हम लोग एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के देश में रहन सहन क्या रहा है, हिस्ट्री पास्ट, उसको जानने का मौका मिला। तो एक बहुत ही आज अच्छा मौका है और सब लोग बिहार आए हैं, और हमारी जो नई सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, हम लोगों का ध्यान सभी लोगों पर है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सबके लिए विकास होना चाहिए, चाहे कोई भी तबका हो,
गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, सबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, म्यूजियम बन रहा है, म्यूजियम हो रहा है इतिहास को बचाने के लिए, इतिहास की चीजों को बचाने के लिए, लेकिन आज का दौर हम ऐसा भी देख रहे हैं जहां कुछ लोग इतिहास को ही खत्म करना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम सब लोग इतने तो संकल्पित हैं कि हम अपने इतिहास को जरूर बचाने का काम करेंगे, अपने संस्कृति को बचाने का काम करेंगे, और जो हमारा जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, और जो असल पहचान जो इस भारत की, इस इंडिया की जो है, वो डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, इसके लिए हम लोग सब लोग संकल्पित हैं, और जरूर हम सब मिलकर के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिलकर के इस इतिहास को बचाने का काम करेंगे। ये हम जरूर समझते हैं कि जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस चीज को समझने का काम करेंगे, खासतौर पर जो नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, वो इस बात को समझे कि जहां पीस है वहीं प्रॉस्पेरिटी है, वहीं डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसी दिशा में हमारी सरकार जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और एक पुनः ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कला संस्कृति विभाग के सभी लोगों को, अंजनी बाबू जी को, पर्यटन विभाग के सचिव, सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करेंगे जो डेलीगेट्स आए हैं बार बार बिहार आए, और जब भी बिहार आइएगा तो डेवलपमेंट का हर एक पड़ाव जो है आगे आप हमेशा बदलता बिहार जरूर देखेंगे। लोगों के हित में काम करते हुए हमारी सरकार जो है पूरी तरह से गंभीर, और इस चीज को हम लोग डिलीवर करेंगे। तो आप सब लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं। आई वेलकम ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम द अब्रॉड, ऑल द सिटीजन ऑफ बिहार, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू पीपल केम एंड यू गिव इन्वेस्टेड टाइम कमिंग टू बिहार एंड पटना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार। तो बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आभार प्रकट करते हैं। और आगे आमंत्रण से पूर्व बताना चाहूंगी कि आपकी सोच का प्रतिफल है बिहार म्यूजियम, आपकी दूरदर्शिता का परिचय है बिहार म्यूजियम, हमारी विरासत के विराट रूप से दर्शकों को अवगत कराता बिहार म्यूजियम, जिसकी नींव आपने रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं हृदयतः से अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से कि हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन भेंट करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः। बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस और म्यूजियम बिनाले 2023 के अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री कला संस्कृति युवा विभाग श्री जितेंद्र कुमार राय जी यहाँ उपस्थित हैं, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और यहाँ मौजूद हैं बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री देवेश चंद ठाकुर जी, और बिहार विधानसभा के उप माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हरि जी, और यहाँ मौजूद हैं माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री विधि विभाग जनाब समीम अहमद साहब, माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग श्री रत्नेश सदा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मुख्य सचिव और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष माननीय उदयकांत मिश्रा जी, और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्रीमती
हरजोत कौर जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, सचिव पर्यटन विभाग श्री अभय कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, कलाकार, कला विशेषज्ञ और विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं जो अंजनी कुमार सिंह जी को हमने जिम्मेवारी दी है और आज ही के दिन पिछले ही वर्ष से जो शुरू किया गया था बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस और म्यूजियम बिनाले पिछले साल किया गया था, पिछले साल नहीं 2021 में किया गया था और वो तय है कि 2 साल में इसको किया जाएगा, तो अब एक ही साथ ये दोनों काम आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आपको मालूम है ये सब बात आपको बताते उताते नहीं है बेचारे, अगर ये बता देते तो हमको बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको सब चीजें जो बात है आखिरकार ये बना कैसे, आप समझ लीजिए बिहार म्यूजियम जो बना तो ये कैसे बना, तो इसको हम लोगों ने किस तरह से इसका निर्माण शुरू किया, ये तो जुलाई 2013 में ही इसकी शुरुआत हो गई और उसका एक हिस्सा 7 अगस्त 2015 को बन गया था, म्यूजियम के ओरिएंटेशन गैलरी, ओरिएंटेशन थिएटर और चिल्ड्रन गैलरी बालखंड को लोकार्पित किया गया था और उसके बाद जो बाकी जो काम था वो 2 अक्टूबर को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर 2017 में पूरे तौर पर तैयार करके उसका उद्घाटन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद यही तय हुआ कि भाई इसका तो कम से कम हर साल जब ये आयोजित हुआ है तो उसका एक कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, तभी इन लोगों ने पिछली बार तय किया और पूछा कि कब होना चाहिए, तो हमने कहा भाई इसकी शुरुआत किए थे 7 अगस्त 2015 को, इसलिए इसकी शुरुआत होनी चाहिए सब दिन के लिए 7 अगस्त को ही और यही तय कर दीजिए और जो बापू के दिन बाप जो हुआ था सब कुछ बचा हुआ काम 2017 में 2 अक्टूबर को, तो हमने कहा कि 2 अक्टूबर को हर साल सब लोगों को यहां मुफ्त में आने का व्यवस्था करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग एक एक चीज को देख सकें, और सिर्फ आने का मुफ्त नहीं, जितने लोग आएंगे उनको कुछ चाय पिलवाइए, पानी पिलवाइए, कुछ ना कुछ इंतजाम उनका करिए कि जो बापू के जन्म दिवस के अवसर पर कोई आएगा और यहां देखने के लिए तो उसका सब तरह से इंतजाम किया जाएगा, ये हमने कह दिया है। अब इसके आधार पर ही आगे काम करेंगे, तो अभी तो दोनों चीज हुआ, अब आप समझ लीजिए आईसोम बिनाले का भी कह दिया, प्रथम बिनाले 2021 में हुआ, अब 2 साल पर ही करेंगे, तो 21 में हुआ था, 23 में हो रहा है, तो फिर अगली बार करेंगे 25 में, तो इसके साथ दोनों का कार्यक्रम ही करेंगे और हर साल कम से कम इसका जो हम लोग कर रहे हैं जो होता है बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस का काम ये चलता रहेगा, तो इसके लिए और बड़ी खुशी की बात है और इस कार्यक्रम में दुनिया के अनेक देशों के लोग यहाँ म्यूजियम विशेषज्ञ लोग भाग ले रहे हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ी चीज है कि और सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं जो विभिन्न देशों से आए हैं और ये भी पता चला है कि जो टुगेदर वी आर्ट में जो भी हुआ है मैंने G20 के 20 देशों का और उसके साथ साथ और 9 देशों के से भी लोग यहाँ पर एक प्रसिद्ध कलाकार भी आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत है, सब लोग आए हैं यहाँ पर, बड़ी खुशी की बात है और ये सब काम किया जा रहा है। और एक बात हम फिर दोहरा करके कहना चाहते हैं और हम तो इनको हर बार कह देते हैं कि हर बार कम से कम बता दिया करिएगा, तो ये मेरा बतवा मानते हैं थोड़ी है, हर समय करते रहते हैं, देखिए क्या खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, ये करते रहते हैं, इन्हीं को हम दिए थे जिम्मेवारी, जब हम आए जब हम छात्र थे यहां तब भी पटना म्यूजियम में आए थे कई बार, और उसके बाद ये लोग पटना म्यूजियम में इतना था
बचपन में भी देखे थे, जब हम स्टूडेंट थे तब भी देखे, और बाद में जब हम लोग सरकार में आए तो इसके बाद ये लोग कुछ करने जा रहे थे कि थोड़ा है इसमें, थोड़ा सा हम बना देंगे। एक बार हम आए थे, हमने कहा भाई देखिए इतना ज्यादा सब कुछ है यहाँ और उसको देखने का सब तरह से इंतजाम नहीं, इसलिए इसका विस्तार तो होना चाहिए थी। करने क्या लगे कि वहीं पर वो छोटा सा करने लगे 5 करोड़ रुपए का, तो हमने कहा हम चलेंगे देखें, इन्नौ की बात है। तब जाकर के हमने देखा और मना किया कि हाँ मत करिए, और जितना सब कुछ है इसको ले करके हम लोग एक अलग म्यूजियम बनाएंगे और वो होगा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम होगा, उस तरह का म्यूजियम हम लोग बनाएंगे। इस तरह से सोचिए, और कितना एक एक चीज है जिसके बारे में कुछ है नहीं, रखा हुआ ऐसे ही। तो हमने कहा कि ये करिए, और यहाँ पर जो जगह है उतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है, और वही उसके बाद हमने सिलेक्ट किया ये जो जगह है। आप जानते हैं इस जगह में और सरकार का 5 बिल्डिंग, तो हमने यही सिलेक्ट किया। तो कुछ लोग तो इधर उधर भी करने लगा और कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि काहे का आप अलग म्यूजियम बना रहे हैं इंटरनेशनल, यहाँ पर तो पटना म्यूजियम है ये है। तो हम कहते थे जो मन में आवे जो बोलते रहिए आप लोग, उससे मतलब नहीं है। जब एक बार जो म्यूजियम बन जाएगा, और बाद में उसका नामकरण हमने कहा कि इसका नाम होगा बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम है वहां से हम बिहार म्यूजियम, और सब एक एक चीज बन गया। तो इसके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोला, लेकिन आजकल तो देखिएगा ना पुरनका चीज आप कहाँ है सामने किसी के सामने, आजकल तो नया आ गया है ना आप लोग टेक्नोलॉजी, तो आप तो पुरनका चीज बात थोड़ी है कोई देख रहा है, सबके सब तो नए चीज देख रहा है। तो ये तो है ही है, खराब आ ही गया है, लेकिन हमको तो डाउट है नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए, एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए जो आ रहा है म्यूजियम, अब उसी में जो भी हम लोग कर रहे हैं ये सब चीज का कोई मतलब नहीं। अब सीधे जो होता है कोई चीज उसी को देखते रहते हैं, हर तरह का चीज वहीं पर है, और बाद में होगा क्या जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ ना लिखेंगे ना कोई कागज रखेंगे। हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा धरती खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय तो सब एक ही बार खत्म होगा। तो आप लोगों को याद नहीं है कि जब जब धरती खत्म हुआ है, अब आप समझ लीजिए, तो जब जब एक एक बार धरती खत्म होता है, अब उसी का समय यही है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है, और धीरे धीरे होगा, 100 साल से अधिक नहीं लगेगा, अब एक एक चीज उसी पर डिपेंडेंट होंगे, और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। तो खैर अब जो रहे हम कहा के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जा नहीं वाले नहीं जी, अब हमको क्या मतलब है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो भी किया गया है ना, अब जो चीज नया बनाया गया, उस समय तो एक एक चीज को बताया जाता था, इनको हमने सुझाव दिया कि देखिए अभी लोग भी वही चक्कर में थे, अपना लगा दिए थे, हम बराबर कहे थे कि भाई किन की मूर्ति क्या है, कहां से लाया गया, इसको नीचे अब पूरा चीज लिख दीजिए, एक तरफ हिंदी लिखिए, एक तरफ अंग्रेजी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, ताकि बाहर के लोग आएंगे उनको भी होगा। और हिंदी तो भाई हमारा यहाँ का है ना, तो आजकल तो हिंदियों को खत्म कर रहा है सब। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है देख रहे हैं ना, आजकल जो बिजनेस करता है वो भी सब चीजों में अंग्रेजी लिख रहा है। अरे तो इंग्लैंड का है खाली है? कि है ये इंडिया का, भारत का, भाई आप जानते हैं कितना पौराणिक चीज है। अब जो इंग्लैंड की लोग बात करते हैं, हम तो इज्जत करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो बिहार है ये दुनिया का सबसे पहला जगह है, ये लोगों को ध्यान में नहीं आता है। तो यहाँ का जो हिंदी है उसको भी खत्म कर रहा है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया, तब एक एक चीज जो जा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या बनाया गया है, क्या लाया गया है। तो जितनी चीजों की जानकारी होगी हर चीज के बारे में यहां लिखवा रहे,
इनको कहा है तब कर रहे हैं, और बाकी अब सब तो बाकी राज्यों का भी, उन सब का हम वेलकम करते हैं। आज हम देख रहे थे कई जगहों से जो आए और उनका जो कुछ भी है बहुत अच्छा है, तो उन सब चीजों को देखा, सबको हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो चीज है आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसको जो हम लोग बनाया गया, तो इसीलिए पूरे तौर पर हर तरह से हम लोग ये काम करना शुरू किए। और आप समझ लीजिए जो हम बता दिए कि पांच वही नेहरू पथ के बारे में चुन लिए बगल में, हम आपको बता ही दिए कि बहुत लोग खिलाफ था, हम कह जो रहे अब बन गया, कितना अच्छा बन गया, अब कितना लोग करते हैं। और उसी में हमने कहा था इनको कि ये जो बनाएंगे इंटरनेशनल बनाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर का, इसको हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमने कहा था इस म्यूजियम को का अवधारणा का डिजाइन का जांच कनाडा का है, कनाडा का लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज। तो हम जानते थे, पूरी जानकारी मिली कि वो 100 जगहों पर उन्होंने बनवाया है इंटरनेशनल लेवल का, इसलिए उनको आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप देखिए, और उनके साथ कितनी बातचीत हमारी हुई और सब बातचीत करके उसका तय हुआ कि इंटरनेशनल कैसे बनेगा। और वही सबको करके और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा कर लिया कि जो विश्व प्रसिद्ध है म्यूजियम के निर्माण हेतु, वो बुलाया गया जापान के माकी एंड एसोसिएट्स, और उसके आर्किटेक्ट थे भूमि ही को माकी। हम तो 2018 में गए भी थे वहां, तो वहां पर उन सब लोगों से भी हमारी बातचीत भी हुई, तो इसीलिए जापान का भी लोग, तो सब तरह से करके, और फिर इंडिया का एक बहुत अच्छा काम करने वाला लोग था, ये सब एक एक चीज के बारे में तय हो गया और उसी से बनवाया गया। और उसका दो हिस्सा में आप समझ लीजिए 13 से हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी, और एक हिस्सा 15 में बना और बाकी सब हिस्सा 17 में तैयार हो गया, यानी 4 साल में पूरा बनके तैयार। और तब से लोगों का आना जाना कितनी बड़ी संख्या में हो गया, तो इतना अच्छा इसको बनाया गया इंटरनेशनल, और सब लोग आए हैं तो देखे अपने इंडिया में कहीं कोई इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल म्यूजियम बन गया तो ही हमने अभी आपको बताया उसका नामकरण, हमने रिक्वेस्ट किया कि इसका नाम रखिए बिहार म्यूजियम, तो बिहार म्यूजियम है इंटरनेशनल लेवल का है। और एक बात आपको बता देते हैं कि जो भी यहाँ पर आते हैं, हम तो इन लोगों को आग्रह करते हैं कि भाई पटना म्यूजियम को भी हम जो विस्तार इतना करने के बाद वहां भी कुछ बचा रहा, तो हमने कहा कि नहीं, अब वहां पर जो पटना म्यूजियम के बगल में एक जगह है वहीं पर जाके हमने कहा कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाइए और यहीं पर सब चीज को रखिए और खूब अच्छे ढंग से। और वो जान लीजिए बहुत ही पौराणिक स्थल है पटना म्यूजियम का जो जगह है, और वहां पर तो हम लोग दिखवाए अभी 2 साल पहले ही लगा, तो उसके नीचे खोदा जा रहा है, अब कितना 100 साल का पुराना है। तो इतने चीजों को देख करके हर तरह से वहां कराया जा रहा है कि उसका भी ध्यान रखना है। और जो लोग भी आएंगे बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम, जो लोग भी आएंगे, अगर पटना म्यूजियम आएगा उसको बिहार म्यूजियम आने की जगह रहेगी, उसको अलग पैसा नहीं लगेगा, कोई बिहार म्यूजियम आएगा पटना म्यूजियम देखना चाहेगा तो उसके लिए भी करना चाहिए। और उसी के लिए हम लोगों ने ये एक करके हर जगह से हम लोग एक म्यूजियम को अंडरग्राउंड दोनों को जोड़ने के लिए बनवा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अंडरग्राउंड बन रहा है, उसके लिए हो गया है, सब कुछ हो गया है, और उसके साथ हमने कहा उसका काम जल्दी शुरू करिए, भी हम लोग भी देखे। और हमने ये भी कहा कि जितना पैसा जो शुरू में था कि रिकमेंड किया गया है उसमें और लगेगा तो कर दीजिए, 500 करोड़ भी लगेगा तब 500 करोड़ लगेगा, लेकिन अंडरग्राउंड आप जाने का जो जगह होगा कितना गहराई से 1.5 किलोमीटर है दोनों के बीच में, तो वहां से कोई भी आएगा कितना अच्छा उसको लगेगा। और ये आप जानते हैं अंडरग्राउंड जो है रास्ता वो कहीं 1.5 किलोमीटर का नहीं है। अब आप समझ लीजिए बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बीच में अंडरग्राउंड भी उसी तरह का हम बनवा रहे, जो भी आएगा उसको इतनी खुशी, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते, हम तो कह देते हाथ में जोड़ेंगे, हम पैरवा छुएते रहेंगे,
मेरा बतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं, तेजी से करवाइए ना भाई। अब फिर हम इधर हाल में किए कि सब करिए और हुआ कि पता बढ़ा तो पैसा बढ़ा दिए हमने, उस समय कह दिया रिकमेंड कि वो सब करीब करीब 350 करोड़ का था। हमने कहा कि नहीं नहीं, अगर उससे ज्यादा लगेगा 400 करोड़ 450 करोड़ 500 करोड़ तो जितना भी कोई आएगा और उसको कराया जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो इन सब लोगों को जो काम किया जा रहा है, आप समझ लीजिए कि उस सभी लोगों के लिए पूरे तौर पर यह सब काम किया जा रहा है। और बिल्कुल पटना म्यूजियम को और यहाँ को हम लोग जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हर तरह से सब तरह की सुविधा हो जाएगी, लोग देखते रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से एक एक चीज को लोग देखेंगे। और अब तो आप जानते हैं ना, इंटरनेशनली भी बाकी राज्यों से भी आएंगे, वहां कुछ लगवाएंगे, उसको भी लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे कि कितना अच्छा होगा, कितने लोग आएंगे यात्रा करने वाले। तो हम काहे बनवाए हैं जानते हैं, हम तो फिर दोहरा के कह रहे हैं, सबसे पहले इस देश में ही नहीं दुनिया में भी, पटना तो बाद में आया, सबसे पहले कहां था राजगीर, अब उसके बाद यहां आया, आप सोच लीजिए। तो ये सब चीज है ना, तो यहां बन जाएगा तो सब चीज बात को याद रखेंगे। हम तो कहते हैं इनको तेजी से कराइए क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक आधे 100 साल धरती रहेगा तो उसके पहले करवा दीजिए कि कम से कम इतना बढ़िया करवा दीजिए कि और ज्यादा 700 साल से भी बढ़ा दे। यहाँ पर इतना काम करिएगा, हमारा आग्रह यही है। इसलिए आप सब लोग आए हैं और यहाँ पर देखिए, और हर साल आज जितने लोग भी आते हैं, देश के किसी हिस्से के और दुनिया के किसी राज्य के भी आए, उनका वेलकम करना चाहिए। और सब लोगों को यहाँ पर पूरे तौर पर और भी जो आवश्यकता है, कितनी बार हम बराबर आ करके देखते रहते हैं कि भाई थोड़ा इसको और कर दीजिए, तो वो सब हो गया। और उसके बाद आप जानते हैं जब बन के तैयार हो गया था तो जब हम आते थे हम देखा कि अरे भाई हम शुरू से कहें मेंटेनेंस होना चाहिए, क्या कि कोई भी आदमी आता है पेशाब करता है कुछ भी करता है तो कहीं तो दुर्गंध नहीं ना दिखना चाहिए। तो उसी पर फिर हमने करवा दिया कई साल पहले। अब मेंटेनेंस इतना हो गया है कि जो भी कोई आता है, और मेंटेनेंस के लिए भी खासा हम लोगों ने इंतजाम करवाया, पैसा दिया, अब मेंटेन होता। पहले मेंटेन कर ले आए थे, कम पैसा में कर रहा था, वो मेंटेन नहीं कर रहा था, तो हमने कहा भाई जो मेंटेनेंस करता है अच्छा देश में उसी तरह को ना सिलेक्ट करिए। तो उसका सिलेक्ट किए, अब मेंटेनेंस है, हर तरह से एक एक चीज की रक्षा हो रही है। आ इनको तो हम यही का बनाए हुए हैं, बात देखिए कब रिटायर कर गए, तो इनको हम रिटायर करने नहीं देंगे, जब तक हम हैं तब तक आपको रिटायर करने नहीं देंगे। और आप पूरे तौर पर काम करिए ठीक ढंग से, और एक एक बात अब मेरा बतवा जितना आपको करना है करिए, मेरा बतवा नहीं भी मानिए लेकिन लोगों के हित में काम करिए, हम यही आग्रह करेंगे। बात तो बाद में मानते हैं लेकिन अंत में हम यही करेंगे, आप लोगों के सामने हम इनके बारे में बता रहे हैं कि इनको लाया हुआ मेरा काम है, अब आगे हम छोड़ने वाले नहीं। और इनको भी हमने कह दिया कि खूब बढ़िया ढंग से करवाइए, तो ये तो कर रहे हैं बाकी लोग भी। और हमने कहा जितने और एक्सपीरियंस लोग हैं एक एक चीज को जानते हैं, और हमारे जो साथी हैं नए लोग हैं बेचारे, इन सबको एक एक चीज दिखा दीजिए, एक एक चीज को जान जाए लोग, ऐसा नहीं हो कि लोगों को पूरा नहीं, अभी बोलना ही नहीं चाह रहे थे, हमने कहा ना बोलना है, कहे नहीं बोलिएगा, तो एक एक चीज दिखवा दीजिए हर चीज। अभी तो हम बोल रहे हैं ना आपको संक्षेप में, तो एक एक चीजवा को देख लेंगे तो सब बोल लगेंगे कि भाई कितना बढ़िया बना। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, आप उन सबका प्लीज टेक देयर स्टेटमेंट ऑल्सो और नोट इट। और जो लोग भी बाहर से आकर के बोल रहे हैं तो उन सब चीजों को भी कहीं लिख दीजिए कि ये आए ये बोले, ये आए ये बोले, ये सब तरह करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मानिएगा कि नहीं मानिएगा, मानिएगा ठीक ठीक है, बहुत बहुत कृपा आपकी है। तो अभी सब हो रहा है और अब अच्छा है, और इस कार्यक्रम को आयोजित आप लोगों ने किया है, बहुत खुशी की बात है। और सब लोगों को, जो लोग भी बाहर से आए हैं उनका आप विशेष ध्यान दीजिएगा,
अगर उन लोगों को रखने और रहने के लिए कोई इंतजाम हो तो सरकार मदद कर देगी, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो जो बाहर से है, उन सब लोगों का भी इंतजाम करिए। तो यही हम आपको कहेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ कि जो कुछ भी हो रहा है इसको खूब ढंग से हमेशा जो हमने कह दिया है कि मेंटेन करके रखना है और सब लोगों का ख्याल रखना है, तो यही कहना था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो लोग भी आए हुए हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूं। जी हाँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, यह अद्भुत और अनोखा बिहार म्यूजियम हम सबको देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके ये अनमोल धन हम सब तमाम बिहार वासियों की पीठ पर थपकी है जो और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करें। और आइए, सबके प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्रीमती हरजोत कौर पम्हारा जी, कृपया सबके प्रति आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने जिनकी परिकल्पना का ये भव्य स्वरूप हम लोग देखते हैं बिहार म्यूजियम, उनकी परिकल्पना और उनके कला एवं संस्कृति, खास करके बिहार की संस्कृति के प्रति जो रुचि है और जो लगाव है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ ही आज के मंच पर आसीन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भी यहाँ पर आकर अपने बहुमूल्य वचनों को हम लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पर उपस्थित बिहार मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्य एवं बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय और बिहार विधानसभा के उपसभापति महोदय का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, जो इस बात को इंगित करता है कि बिहार सरकार और उसका पूरा मंत्रिमंडल बिहार की कला एवं संस्कृति के लिए कितना प्रतिबद्ध है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर उपस्थित आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द डेलीगेट्स हु हैव कम फ्रॉम ऑल द डिफरेंट G20 नेशंस एंड देयर आर्टिफैक्ट्स एंड एग्जीबिशंस व्हिच हैज बीन एग्जीबिटेड टुडे द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वार्म वेलकम एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द डेलीगेट्स हु आर हियर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, जिनके नेतृत्व में ये पूरा बिहार विनाले और बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस और अन्य कार्यक्रम टुगेदर वी आर्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है, माननीय डीजी बिहार म्यूजियम श्री अंजनी कुमार सिंह और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक इतना सुंदर और इतना अच्छा और इतनी अच्छा व्यवस्थित पूर्ण रंग से ये कार्यक्रम को निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही बोल चुके हैं कि आपको कोई अवकाश नहीं देने वाला है, जब तक आप हैं तब तक बिहार म्यूजियम इसी तरह से ऊंचाइयों पे चलता रहे, यही हम लोगों की सबकी ध्येय है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव और उनके साथ आए सारे पदाधिकारियों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधु, छायाकार बंधु और जितने भी लोग आज इस विशिष्ट आगमन में आए हैं, आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्ते। मैं माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री विधि विभाग जनाब समीम अहमद साहब, माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग श्री रत्नेश सदा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मुख्य सचिव और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष माननीय उदयकांत मिश्रा जी और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्रीमती
हरजोत कौर जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, सचिव पर्यटन विभाग श्री अभय कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, कलाकार, कला विशेषज्ञ और विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं जो अंजनी कुमार सिंह जी को हमने जिम्मेवारी दी है और आज ही के दिन पिछले ही वर्ष से जो शुरू किया गया था बिहार साल किया गया है कि में किया जाएगा, तो अब एक ही साथ ये दोनों काम आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आपको मालूम है कि सब बात आपको बताते उताते नहीं है बेचारे, अगर ये बता देते तो हमको बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको सब चीजें जो बात है आखिरकार ये बना कैसे, आप समझ लीजिए बिहार म्यूजियम जो बना तो कैसे बना, तो इसको हम लोगों ने किस तरह से इसका निर्माण शुरू किया, ये तो जुलाई 2013 में ही इसकी शुरुआत हो गई और उसका एक हिस्सा 7 अगस्त 2015 को बन गया था, म्यूजियम के ओरिएंटेशन गैलरी, ओरिएंटेशन थिएटर और चिल्ड्रन गैलरी बालखंड को लोकार्पित किया गया था और उसके बाद जो बाकी जो काम था वो 2 अक्टूबर को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर 2017 में पूरे तौर पर तैयार करके उसका उद्घाटन दिया गया था। लेकिन उसके बाद यही तय हुआ कि भाई तो से कम हर साल जब आए उसका कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, तब लोगों ने पिछले तय कर पूछा कि कब होना चाहिए, तो हमने कहा इसकी शुरुआत थे 2017, इसकी शुरुआत 7 अगस्त को और ये तय कर दीजिए और जो बापू आप हुआ था हुआ काम 17 अक्टूबर को, तो हम कहा 2 अक्टूबर को हर साल सब लोगों को में आने का व्यवस्था करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग के चीज को दे सके और आका नहीं जितने लोग आएंगे को चाय पिलवाइए, पानी पिलाइए, कुछ कुछ ज्यादा करिए, जो के दिवस कोई का सब जाम जाएगा, ये किया आपके आधार पर ये काम करेंगे, तो अभी तो दोनों हुआ, अब आप समझ लीजिए कह दिए प्रथम कई हुआ, अब 2 साल पर ही करेंगे तो कई हुआ था नहीं सुना है, तो फिर अगली करेंगे 30 हर कम से कम का कर रहे हैं होता है बिहार स्थापना दिवस काम ये चलता रहेगा, तो इसके और बड़ी खुशी बात है और कार्यक्रम दुनिया ने देखे लोग म्यूजियम इसके लोग भाग ले रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ी चीज है कि और सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं जो विभिन्न देशों से आए हैं और ये भी पता चला है कि टूर भी में जो भी है G20 के 20 देशों का और उसके और 9 देशों से लोग यहाँ पर प्रसिद्ध कहा जा रहे हैं, उनका स्वागत है, सब बड़ी की बात है और सब काम किया जा रहा है। और एक बात हम दोहरा के कहना चाहते हैं, तो इनको हर बार कह दे, हर बार हमसे बता दिया करिए, क्या खा है कुछ खा करते रहे हैं, तो हम व्यवहार जब हम आए हम म्यूजियम में आए थे कई बार और उसके बाद ये पटना म्यूजियम में इतना था
बचपन में देखे थे हम देखे, और बाद में जब हम लोग सरकार में आए इसके बाद जो कुछ करने चाहे थे इसमें थोड़ा सा हम बना देंगे, आए थे भाई ये इतना ज्यादा सब कुछ है यहाँ और उसको देखने का सब तरह से इंतजाम नहीं, इसलिए इसका विस्तार तो होना चाहिए थी। करने क्या लगे कि वहीं पर वो छोटा सा करने लगे 5 करोड़ रुपए का, तो हमने कहा हम चले गए देखे, इनौ की बात है, तब जाकर के हमने देखा और मना किया कि हाँ मत करिए, और जितना सब कुछ है इसको ले करके हम लोग अलग म्यूजियम बनाएंगे और वो होगा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम होगा, उस तरह का म्यूजियम हम लोग बनाएंगे। इस तरह से सोचिए और कितना एक एक चीज है जिसके बारे में कुछ है नहीं रखा हुआ ऐसे ही, तो हमने कहा कि ये करिए, और यहाँ पर जो जगह है उतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है, और वही उसके बाद हमने सिलेक्ट किया ये जो जगह है। आप जानते हैं इस जगह में और सरकार का 5 बिल्डिंग, तो हमने यही सिलेक्ट किया, तो कुछ लोग तो इधर उधर भी करने लगा और कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि काहे का आप अलग म्यूजियम बना रहे हैं इंटरनेशनल, यहाँ पर तो पटना म्यूजियम है ये है। तो हम कहते थे जो मन में आवे जो बोलते रहिए आप लोग, उससे मतलब नहीं है, जब एक बार जो म्यूजियम बन जाएगा और बाद में उसका नामकरण हमने कहा कि इसका नाम होगा बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम है वहां से हम बिहार म्यूजियम, और सब एक एक चीज बन गया, तो इसके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोला। लेकिन आजकल तो देखिएगा ना पुरनका चीज बाप कहाँ है सामने किसी के सामने, अब आजकल तो नया आ गया है ना आप लोगों का टेक्नोलॉजी, तो अब तो पुरनका चीज बाप थोड़ी कोई देख रहा है, सब के सब तो नए चीज देख रहा है, तो ये तो है ही है खराब आ ही गया है। लेकिन हमको तो डाउट है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए, एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए जो आ रहा है म्यूजियम, अब उसी में जो भी हम लोग कर रहे हैं ये सब चीज का कोई मतलब नहीं, अब सीधे जो होता है कोई चीज उसी को देखते रहते हैं, हर तरह का चीज वहीं पर है, और बाद में होगा क्या जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ ना लिखेंगे ना कोई कागज रखेंगे, हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा धरती खत्म जाएगी, क्योंकि उस समय तो सब एक ही बार खत्म होगा। तो आप लोगों को याद नहीं है कि जब जब धरती खत्म हुआ है, अब आप समझ लीजिए, तो जब जब एक एक बार धरती खत्म होता है, अब उसी का समय यही है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है, और धीरे धीरे होगा 100 साल से अधिक नहीं लगेगा, अब एक एक चीज उसी पर डिपेंडेंट होंगे, और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो खैर अब जो रहे हम काहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जा नहीं वाले नहीं जी, अब हमको क्या मतलब है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो भी किया गया है ना, अब जो चीज नया बनाया गया उस समय तो एक एक चीज को बताया जाता था, तीन को हमने सुझाव दिया कि देखिए अभी लोग भी वही चक्कर में थे, अपना लगा दिए थे, हम बराबर कहे थे कि भाई किन की मूर्ति क्या है कहां से लाया गया इसको नीचे अब पूरा चीज लिख दीजिए, एक तरफ हिंदी लिखिए एक तरफ अंग्रेजी लिखिए इंग्लिश लिखिए, ताकि बाहर के लोग आएंगे उनको भी होगा, और हिंदी तो भाई हमारा यहाँ का है ना, तो आजकल तो हिंदियों को खत्म कर रहा है सब, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है देख रहे हैं ना, आजकल जो बिजनेस करता है वो भी सब चीज में अंग्रेजी लिख रहा है, अरे तो इंग्लैंड का है खाली है? कि है ये इंडिया का है भारत का है, भाई आप जानते हैं कितना पौराणिक चीज है, अब जो इंग्लैंड की लोग बात करते हैं हम तो इज्जत करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो बिहार है ये दुनिया का सबसे पहला जगह है, ये लोगों को ध्यान में नहीं आता है, तो यहाँ का जो हिंदी है उसको भी खत्म कर रहा है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया। अब एक एक चीज जो जाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या बनाया गया है क्या लाया गया है, तो जितनी चीजों की जानकारी होगी हर चीज के बारे में यहाँ लिखवा रहे, इनको कहा है तब कर रहे हैं,
और बाकी अब सब तो बाकी राज्यों का भी, उन सब का हम वेलकम करते हैं। आज हम देख रहे थे कई जगहों से जो आए और उनका जो कुछ भी है बहुत अच्छा है, तो उन सब चीजों को देखा, सबको हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो चीज है आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस जो हम लोग बनाया गया, तो इसीलिए पूरे तौर पर हर तरह से हम लोग ये काम करना शुरू किए। और आप समझ लीजिए जो हम बता दिए कि पांच वही नेहरू पथ के बारे में चुन लिए बगल में, हम आपको बता ही दिए कि बहुत लोग खिलाफ था, हम के जो रहे अब बन गया, कितना अच्छा बन गया, अब कितना लोग करते हैं। और उसी में हमने कहा था इनको कि ये जो बनाएंगे इंटरनेशनल जो बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसको हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमने कहा था इस म्यूजियम को का अवधारणा का डिजाइन का जांच कनाडा का है, कनाडा का लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज। तो हम जानते थे, पूरी जानकारी मिली कि वो 100 जगहों पर उन्होंने बनवाया है इंटरनेशनल लेवल का, इसलिए उनको आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप देखिए। और उनके साथ कितनी बातचीत हमारी हुई और सब बातचीत करके उसका तय हुआ कि इंटरनेशनल कैसे बनेगा, और वही सबको करके अब फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा कर लिया कि जो विश्व प्रसिद्ध है म्यूजियम के निर्माण हेतु, वो बुलाया गया जापान के माकी एंड एसोसिएट्स, और उसके आर्किटेक्ट थे भूमिहिको माकी। हम तो 2018 में गए भी थे वहां, तो वहां पर उन सब लोगों से भी हमारी बातचीत भी हुई। तो इसीलिए जापान का लोग तो सब तरह से करके, और फिर इंडिया का एक बहुत अच्छा काम करने वाला लोग था, ये सब एक एक चीज के बारे में तय हो गया और उसी से बनवाया गया। और उसका दो हिस्सा में आप समझ लीजिए 13 से हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी, और एक हिस्सा 15 में बना और बाकी सब हिस्सा 17 में तैयार हो गया, यानी 4 साल में पूरा बन के तैयार। और तब से लोगों का आना जाना कितनी बड़ी संख्या में हो गया, तो इतना अच्छा इसको बनाया गया इंटरनेशनल, और सब लोग आए हैं तो देखे अपने इंडिया में कहीं कोई इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल म्यूजियम बन गया तो ही हमने अभी आपको बताया उसका नामकरण, हमने रिक्वेस्ट दिया कि इसका नाम रखिए बिहार म्यूजियम, तो बिहार म्यूजियम है इंटरनेशनल लेवल का है। और एक बात आपको बता देते हैं कि जो भी यहां पर आते हैं, हम तो इन लोगों को आग्रह करते हैं कि भाई पटना म्यूजियम को भी हम जो विस्तार इतना करने के बाद वहां भी कुछ बचा रहा, तो हमने कहा कि नहीं, अब वहां पर जो पटना म्यूजियम के बगल में एक जगह है वहीं पर जाके हमने कहा कि यहां पर एक बिल्डिंग बनाइए और यहीं पर सब चीज को रखिए और खूब अच्छे ढंग से। और वो जान लीजिए बहुत ही पौराणिक स्थल है पटना म्यूजियम का जो जगह है, और वहां पर तो हम लोग दिखवाए, अभी 2 साल पहले ही लगा तो उसके नीचे खोदा जा रहा है, अब कितना 100 साल का पुराना है। तो इतने चीजों को देख करके हर तरह से वहां कराया जा रहा है कि उसका भी ध्यान रखना है। और जो लोग भी आएंगे बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम, जो लोग भी आएंगे, अगर पटना म्यूजियम आएगा उसको बिहार म्यूजियम आने की जगह रहेगी, उसको अलग पैसा नहीं लगेगा, कोई बिहार म्यूजियम आएगा पटना म्यूजियम देखना चाहेगा तो उसके लिए भी करना चाहिए। और उसी के लिए हम लोगों ने ये एक करके हर जगह से हम लोग एक म्यूजियम को अंडरग्राउंड दोनों को जोड़ने के लिए बनवा रहे। अब आप समझ लीजिए कि अंडरग्राउंड बन रहा है, उसके लिए हो गया है सब कुछ हो गया है, और उसके साथ हम क्या उसका काम जल्दी शुरू करिए भी हम भी देखे। और हमने ये भी कहा कि जितना पैसा जो शुरू में था कि रिकमेंड किया गया है उसमें और लगेगा कर दीजिए, 500 करोड़ लगेगा तो 500 करोड़ लगेगा, लेकिन अंडरग्राउंड आप जाने का जो जगह होगा कितना गहराई से 1.5 किलोमीटर है दोनों के बीच में, तो वहां से कोई भी आएगा कितना अच्छा उसको लगेगा। और ये आप जानते हैं अंडरग्राउंड जो है रास्ता वो कहीं 1.5 किलोमीटर का नहीं है। अब आप समझ लीजिए बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बीच में अंडरग्राउंड भी उसी तरह का हम बनवा रहे, जो भी आएगा उसको इतनी खुशी। तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते, हम तो कह देते हाथ में जोड़ेंगे, हम पैरवा छुए रहेंगे, मेरा बतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं।
तेजी से करवाइए ना भाई, अब फिर हम इधर हाल में किए कि सब करिए और हुआ कि पैसा बढ़ता है तो पैसा बढ़ा दीजिए। हमने उस समय कह दिया रिकमेंड कि वो सब करीब करीब 350 करोड़ का था, हमने कहा कि नहीं नहीं अगर उससे ज्यादा लगेगा 400 करोड़ 450 करोड़ 500 करोड़ तो जितना भी कोई आएगा और उसको कराया जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो इन सब लोगों को जो काम किया जा रहा है आप समझ लीजिए कि उस सभी लोगों के लिए पूरे तौर पर यह सब काम किया जा रहा है और बिल्कुल पटना म्यूजियम को और यहाँ को हम लोग जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हर तरह से सब तरह की सुविधा हो जाएगी, लोग देखते रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से एक एक चीज को लोग देखेंगे और अब तो आप जानते हैं ना इंटरनेशनली भी बाकी राज्यों से भी आएंगे, वहां पर लगवाएंगे, उसको भी लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे तो कितना अच्छा होगा। कितने लोग आएंगे यात्रा करने वाले, तो हम कहे बनवाए हैं जानते हैं, हम तो फिर दोहरा के कह रहे हैं सबसे पहले इस देश में ही नहीं दुनिया में भी, पटना तो बाद में आया, सब पहले कहां था राजगीर और उसके बाद यहां आया, आप सोच लीजिए। तो ये सब चीज है ना, तो यहां पर बन जाएगा तो सब चीज को याद रखेंगे। हम तो कहते हैं इनको तेजी से कराइए क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक आधे 100 साल धरती रहेगा तो उसके पहले करवा दीजिए कि कम से कम इतना बढ़िया करवा दीजिए कि और ज्यादा 100 साल से भी बढ़ा दे। यहाँ पर इतना काम करिएगा, हमारा आग्रह यही है। इसलिए आप सब लोग आए हैं और यहाँ पर देखिए और हर साल आज जितने लोग भी आते हैं देश के किसी हिस्से के और दुनिया के किसी राज्य के भी आए उनका वेलकम करना चाहिए और सब लोगों को यहाँ पर पूरे तौर पर और भी जो आवश्यकता है, कितनी बार हम बराबर आ करके देखते रहते हैं कि भाई थोड़ा इसको और कर दीजिए तो वो सब हो गया। और उसके बाद आप जानते हैं जब बन के तैयार हो गया था तो जब हम आते थे तो हम देखा कि अरे भाई हम शुरू से कहें मेंटेनेंस होना चाहिए, कोई आदमी आता है साफ करता है कुछ भी करता है तो कहीं तो दुर्गंध दिखना चाहिए, तो उसी पर फिर हमने करवा दिया कई साल पहले। अब मेंटेनेंस इतना हो गया है कि जो भी कोई आता है और मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा खासा हम लोगों ने इंतजाम करवाया, पैसा दिया, अब मेंटेन होता, पहले मेंटेन कर ले आए थे कम पैसा में कर रहा था, वो मेंटेन नहीं कर रहा था तो हमने कहा भाई जो मेंटेनेंस करता है अच्छा देश में उसी तरह को ना सिलेक्ट करिए, तो उसका सिलेक्ट किए, अब मेंटेनेंस है, हर तरह से एक एक चीज की रक्षा हो रही है। आ इनको तो हम यही का बनाए हुए बाध्य, कब रिटायर करें तो हम रिटायर कर नहीं देंगे, जब तक हम हैं तब तक आपको रिटायर करने नहीं देंगे और आप पूरे तौर पर काम करिए ठीक ढंग से और एक एक बात अब मेरा बतवा जितना आपको करना है करिए, मेरा बतवा नहीं भी मानिए लेकिन लोगों के हित में काम करिए, हम यही आग्रह करेंगे। बात तो बाद में मानते हैं लेकिन अंत में हम यही कहेंगे, आप लोगों के सामने हम इनके बारे में बता रहे हैं कि इनको लाया हुआ मेरा काम है, अब आगे हम छोड़ने वाले नहीं, इनको भी हमने कह दिया कि खूब बढ़िया ढंग से करवाइए, तो ये तो कर रहे हैं बाकी लोग भी। और हमने कहा जितने और एक्सपीरियंस लोग हैं एक एक चीज को जानते हैं और हमारे जो साथी हैं नए लोग हैं बेचारे, इन सबको एक एक चीज दिखा दीजिए, एक एक चीज को जान जाए लोग, ऐसा नहीं हो कि इन लोगों को पूरा नहीं, अभी बोलना ही नहीं चाह रहे थे, हमने कहा ना बोलना है कह नहीं बोलिएगा, तो एक एक चीज दिखवा दीजिए हर चीज, अभी तो हम बोल रहे हैं आपको संक्षेप में, तो एक एक चीजवा को देख लेंगे तो सब लोग बोलने लगेंगे कि भाई कितना बढ़िया बना। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, आप उन सब का प्लीज टेक देयर स्टेटमेंट ऑल्सो और नोट इट, और जो लोग भी बाहर से आकर के बोल रहे हैं तो उन सब चीजों को भी कहीं लिख दीजिए कि ये आए ये बोले, ये आए ये बोले, तो सब तरह करिएगा बहुत अच्छा रहेगा, मानिएगा कि नहीं मानिएगा, मानिएगा ठीक ठीक है, बहुत बहुत कृपा आपकी है। तो अभी सब हो रहा है और अब अच्छा है और इस कार्यक्रम को आयोजित आप लोगों ने किया है, बहुत खुशी की बात है। और सब लोगों को जो लोग भी बाहर से आए हैं उनका विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर उन लोगों को रखने और रहने के लिए कोई इंतजाम हो तो सरकार मदद कर देगी,
उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, बाहर से आए हैं उन सब लोगों का भी इंतजाम करिए, तो यही हम आपको कहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ कि जो कुछ भी हो रहा है इसको खूब ढंग से हमेशा जो हमने कह दिया है कि मेंटेन करके रखना है और सब लोगों का ख्याल रखना, तो यही कहना था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो लोग भी आए हुए हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूं। जी हाँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, यह अद्भुत और अनोखा बिहार म्यूजियम हम सबको देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके मोल वजन हम सब तमाम बिहार वासियों की पीठ पर थपकी है, जो और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट।